हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका टीवी दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। इन स्टार्स को देखा गया भगत सिंह के किरदार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के कई स्टार्स फिल्म बनाते हैं और एक एक नए किरदार के बारे में लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में छुपे वीरों पर आधारित फिल्में बनाई हैं। ये हम बात कर रहे हैं हमारे देश को आज़ाद कराने वाली, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी, वो थे भगत सिंह। भारत में सभी लोग चैन की सांस ले रहे हैं उन्हीं की वजह से। तो आपको बता दें कि एक बार याद फिर से याद करते हुए फिल्मों में काम उनके किरदारों को निभाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंघम की, यानी कि अजय देवगन की। अजय देवगन ने फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में वीर भगत सिंह का भूमिका निभाई थी, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को पसंद किया गया था। वहीं बता दें कि फिल्म 2002 में सिनेमाघरों में दिखाई दी थी। इसी के साथ बता दें इस फिल्म के अलावा दो फिल्में और बनी थी जिन्होंने भी भगत सिंह का किरदार निभाया था। पहली थी बॉबी देओल की फिल्म, जिसमें शहीद में उन्होंने 23 मार्च 1931 शहीद की बात करें तो बॉबी देओल ने भी इस फिल्म का किरदार निभाया था, लेकिन भगत सिंह की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंघम को पसंद किया गया था। दूसरी फिल्म थी जिसे भगत सिंह के भूमिका निभाई थी सोनू सूद ने, शहीद आजम में। लेकिन एक जो भगत सिंह का जो किरदार होता है, जो स्ट्रॉन्ग किरदार था, वो शायद ये पूरी तरीके से नहीं निभा पाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा फैंस को सिंघम में नज़र आया था, जो कि ये किरदार काफ़ी अच्छा पसंद आया था। आपको क्या लगता है, आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया था, भगत सिंह के रूप में कौन से एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़। आप हमारी सभी न्यूज़ को टुडेज.com पर देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।